ये है आड़े मोहल्ला और यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले भी आया था केलशी गाँव मध्ये आहे मी। हा गाव तुम्ही बघू शकता केलशी आहे आणि इथे ट्रॅफिक जाम झालेली आहे। चलो अभी हम बागमांडला पहुंच चुके हैं। बानकोट से बागमांडला देखो ये जो आप लोगों को बोट दिख रहे ना ये मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने वाले है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीम चुकसा का हेलो एंड वेलकम वनकम जय भीम। मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अभी मैं आया था कल रात में हरने में कमेंट्री के लिए। ये मेरा पहली बार था कि हरने में मैं कमेंट्री के लिए आया और यहाँ पर स्टे के लिए मैं रुका शाइनी शेल। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा स्टे है, यहाँ पर बीच टच है। ये वाला जो रोड है ना ये दापोली से आता है, आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं हरने में घूमने के लिए। और यही से यह हरने मोहल्ला हरने गांव लगता है। उस दिन अपने अब्दुल्ला बानकोटकर इन्होंने अपनी मेहमान नवाजी की, इनकी यहाँ पर मैं रुकने के लिए था। आप देख सकते हैं शाइनी शेल, एसी नॉन एसी रूम्स अवेलेबल और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चलो अब अंदर चलते हैं, अब्दुल्ला भाई अपने को दिखाएंगे इनके पास रूम कैसा है, रूम के बाहर का स्पेस आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। और कल यहाँ पर आया इतना ठंडा माहौल है ना, क्यों ना हो क्योंकि बीच टच वाईफाई भी है, क्योंकि हरने में अगर आप लोग आते हैं तो जियो को नेटवर्क नहीं है। तो ये दो रूम है आपके पास, ओके, ये दो रूम है अब्दुल्ला भाई के पास, ये वाला और वो दूसरा वाला। तो मैं अभी दूसरे वाले रूम में रुका था तो आप लोगों को दिखा दो कि रूम कैसा है। ये रूम है एसी नॉन एसी रूम यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ इस तरह से रूम में बीच टच, ये बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी है। आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर बालकनी में आओगे और आने के बाद यहाँ का जो व्यू है देखो, ये हरने बीच के बिल्कुल करीब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हरने फोर्ट और ये सब फिशिंग बोट्स। और वहीं पे जो आप लोग देख सकते हैं हरने बंदर है वहाँ पर ऑप्शन होता है, अभी शायद शाम का टाइम ऑप्शन चल रहा है। बाकी आप सब देख सकते हैं अभी माहौल थोड़ा बारिश आने की संभावना लग रही है, बट व्यू काफ़ी अच्छा है और हवा काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये दो रूम्स है भाई के पास, कुछ भी अगर आप लोग हरने में आते हो, मुरूड में आते हो, दापोली में आते हो और अगर आपको रहना है बीच टच रहना है तो अब्दुल्ला भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है क्या अब्दुल्ला भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 8767644657। ये रूम में मैं रुका था आप लोग देख सकते हैं, तो ये रूम भी उसी तरह से है और अपना बैग अभी पैक हो चुका है और यहाँ से अभी मैं निकलूंगा मुरुड के लिए। एक हरने का बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट पॉइंट है जहाँ पर लोग अक्सर ये पॉइंट देखने के लिए आते हैं। तो बस दो मिनट रुकेंगे यहाँ पर, बस आप लोगों को दिखाता हूँ ये पॉइंट एंड देन सफर की शुरुआत करेंगे। ये व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, लुक, ये सनसेट पॉइंट, यहाँ से पूरा हरने का व्यू देखने के लिए मिलता है। ये देखो पूरा हरने का व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। जो आप लोग सामने देख रहे हैं स्वर्ण दुर्ग फोर्ट जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, वहाँ पर भी फोर्ट है, वो हरने बंदर है। चलिए ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता मैं, मुझे और सारा डिस्टेंस कवर करना है। बस आप लोगों को दिखाया कि कभी अगर हरने आते हैं तो ये सनसेट पॉइंट है, जरूर देखना। इसे उतरते हुए भी व्यू बहुत प्यारा है, अगर बाइक से आता मैं अपनी रॉयल इनफील्ड हिमालयन से आता तो एक अलग ही मजा आता था। ये सब रोड मैंने कवर किए हैं एक्सेस 125 पे, सुजुकी जिक्सर पे मैं ये सब घुमाऊ। देखो कितना प्यारा रोड है, ये पूरा कोस्टल हाईवे समंदर किनारे ये रोड पूरा जाता है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रुके हैं। लगता है अंजरले का ब्रिज है ये, अंजरले अड़े ये सब साइड में वेब सीरीज बहुत शूट होते हैं। पेट्रोल पंप मिला नहीं तो ये रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है और ये अंजरले में बना है। दापोली तालुके में अड़े एक गांव है,
और कोकणी यूट्यूबर शहरी सुरवे इनका गाव है। अभी मीटअप भी हुआ था हाल फिलहाल, तब मैं आ नहीं पाया था, तो अभी बस उन्हीं के घर पे जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आड़े मोहल्ला है और यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे घर है, मतलब पुराने स्ट्रक्चर के भी घर है। इससे पहले भी एक बार आया हूँ मैं और यहीं पे घर है शेरी सूरवे इनका, ये वाला घर है। ये है आड़े मोहल्ला और यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले भी आया था। सूरवे पूजा कोई पहचाना नहीं आपको? चितवारे पहचानते हैं। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, चलो देखो मस्त। किसकी शादी है? इधर ओके ओके, यहाँ पर शादी भी है देखो, वहाँ पर दुल्हन है, अपनी सही गाँव है। मस्त आया यहाँ पर आने के बाद, वो बचपन के दिन याद आ गए, वो पुराना सब कुछ आज तक संभाल के रखा है। ये बाकड़ो यानी इसको बारी बोलते हैं, हमारे इधर बाड़ा बाड़ा बोलते हैं। इधर कुछ जुनेद भाई के व्लॉग में देखा था, बारी कुछ बोल रहे थे। और बाकी है सर वो खुंटी है, खुंटी वाह मस्त घर है यार, ये देखो कुल पुराने स्ट्रक्चर का एक घर। मस्त है माशाल्लाह बाग और मस्त ठंडा माहौल है यहाँ पर, उतनी गर्मी नहीं होगी शायद। कड़े गांव में आए हैं शेरी सूरवे द शेरी स्टाइल। इनके चैनल पर मैंने बहुत सारे रेसिपीज देखा, कभी ट्राई नहीं किया, कभी कुछ खाया नहीं था। ये पूरी है, ये यहाँ पर भी शेव पूरी है और ये पूरी है, ये शेव पूरी है और बाकी ये पूरी है। यस ये कुकनी स्पेशल है और अभी देखते हैं। मिजान कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? कब आए? अभी अभी आए, नमाज गए थे। चलिए आड़े गांव में आया मैं, यहाँ पर मूसा भाई का भी घर है शायद ये यहाँ पर, और आगे एक शादी है, वो शादी भी आप लोगों को दिखा दो थोड़ा मंडप कैसा है। और जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था ना, तो ये घर यहाँ पर ये बन रहा था, बट अभी घर भी माशाल्लाह बन चुका है, कुछ बढ़िया है। ये देखो जब लास्ट टाइम आया था ये घर यहाँ पर बन रहा था, ये कुआ है यहाँ पर ये शादी है, देखो माशाल्लाह अच्छा मंडप बनाया गया ये। और ये जो अपने को आड़े में मिले, अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। चलो जरूर जरूर। ये आड़े का ब्रिज है और यहाँ से आड़े की मस्जिद दिखती है और यहाँ पर बहुत सारे वेब सीरीज भी शूट होते हैं आड़े गांव में। सब जौला है, आई थिंक जौला है, ये जो सूख रहा है ना नीचे वो जौला है। ये देखो आप देख सकते हैं रोड पे, ऊपर से ऐसी ट्रैफिक क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को यार, क्या ही हो रहा है। तो टाइम नहीं है, अगर जरा भी टाइम मिस हो गया तो फेरी बोट चले जाएगी। 8:07 हो रहा है, आज ही अपने को मुरुड़ी जंजीरा पहुंचना है। ये यहाँ पर केलशी गाँव मध्ये आहे मी, हा गाँव तुम्ही बघू शकता केलशी आहे आणि इथे ट्रॅफिक जाम झालेली आहे। मुईज क्या हो रहा है तुम्हारे गाँव में? मुईज वसीम भाई, ये बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर मुईज होड़ेकर खड़ा है, जाते जाते सबसे मिल रहा हूँ। मुईज होड़ेकर भी आया है, देखो ये अपना मुईज भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है आम का बिजनेस? है आम किधर है? अभी अभी जा रहा हूँ मैं मुरुग जंजीरा, चलेगा चल। हाँ हाँ दुआ में याद रख। आने का मुझे ऐसा लगता है गलत निर्णय था अपना, भी आगे से बेइज्जती है, यहाँ पर बेइज्जती है, सिर्फ ट्रैफिक 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 ही मिल रही है। फेरी बोट लास्ट चले गई 8:30 यहीं पर हो रहा है और एक तो नेटवर्क भी नहीं है, मैप में कुछ बता रहा भी नहीं है। अभी ब्रिज पे आ चुके हैं, यहाँ से दापोली तालुका खत्म और मंडनगढ़ तालुका शुरू होगा। और भाई यहाँ पर दो गाड़ी पास होना तो मुश्किल है, बहुत टाइम चलेगा। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो S4 सतीश इनका घर है। अब यहाँ सब रास्ते का काम चल रहा है। बापरे 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 मंडनगढ़ फाटे के यहाँ पे, अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है
राइट जाओगे तो मंडनगढ़, लेफ्ट जाओगे तो बानकोट फेरी, यहाँ पर जाना है। नियाल भाई, ये नियाल गावकर घर, इनसे कांटेक्ट किया मैंने। चलिए अभी मैं हूँ ये बानकोट से बागमांडला फेरी के यहाँ पे। चलो अभी हम बागमांडला पहुंच चुके हैं, बानकोट से बागमांडला। मैं बागमांडला पहुंच चुका हूँ यहाँ से। इससे पहले मैं एक्सेस से आया था, मसला वो सब करके, श्रीवर्धन करके। अभी मैं बागमांडला में रुका हूँ, यहाँ पर सब बच्चे लोग हैं। कैसे हो? अच्छे। ज्यादा लेट हो गया था और अराठी यहाँ पर रुका हूँ, श्रीवर्धन साइड में। अराठी करके गांव है, होटल कायनात, यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके। मैंने उनसे पूछा कि सबसे जल्दी क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा चाइनीज लो, चाइनीज मिलेगा। फिर ट्रिपल राइस ऑर्डर दिया है और मस्त सब खुले खुले में यहाँ पर लोग बैठे। अराठी में आया, अराठी में आने के बाद भाई मेरे को पूछ रहे कि भाई तुम्हारा नाम राहिद है क्या? मैंने बोला हाँ मेरा नाम राहिद है। बोला आपको कैसे पता? तो भाई लोग जानते हैं यहाँ पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई खाना खाने के लिए। और मेरी नज़र नहीं गई थी, फिर देखा मैंने रहीम चाचा, मोहम्मद और लुबना चाचा, पूरी फैमिली यहाँ पर दिखी, तो सबसे मिला मैं अभी। अच्छा लगा सबसे मिलके अराठी में। सोचा नहीं था कि ये सब मिलूंगा मैं यहाँ पर, बट मिल लिए। चलिए अराठी में यहाँ पर मैं स्टे के लिए रुका हूँ और ये पूरा घर है और ये अपना रूम है। रूम बाय लाइट, क्या ये रूम है और यहीं पर रुका हूँ मैं अराठी में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीवर्धन। तो अभी यहाँ से अपने को मुरुड जंजीरा जाना है। कल रात में मैं लेट आया, मेरे को डिगी वाली आगा डंडा वाली फेरी बोट नहीं मिली रही थी, इसलिए मैं यहीं पर रुका, श्रीवर्धन में स्टे किया। अब यहाँ से सुबह सुबह उठाऊँ मैं 8 बजे और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। श्रीवर्धन से सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगा डंडा फेरी बोट है, तो वहाँ जाना है अपने को। यहाँ नॉर्थ ईस्ट ऑन महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 99। ये श्रीवर्धन से जो आगा डंडा रिगी फेरी बोट के यहाँ पे जो रोड जाता है, यहाँ पर भी काफ़ी आम के झाड़ है और रास्ते पे लोग आम लेके दिख रहे हैं, तो यहाँ का भी टेस्ट अच्छा ही होगा। शायद कभी खाया नहीं हूँ मैं इस साइड का आम, बट अच्छा ही होगा। बट रोड नैरो है, छोटा सा रोड है और आजू बाजू ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह मैंने सफ़र शुरू किया है, यहाँ से मुझे अभी आगा डंडा फेरी बोट से जाना है मुरुड जंजीरा। कोई गांव से पास हो रहा हूं मैं। ये मैं दिगी यहां पर आ चुका हूं। फेरी बोट का यही दुख लगता है कि इधर तक आया मैं, टर्न घुमा रहा है, इधर तक आया नहीं। ये यही फेरी बोट का थोड़ा बुरा लगता है। बाकी सर्विस कितनी भी अच्छी रहे, बट ये बुरा लगता है इन लोगों का कि इधर आया हूँ मैं, इधर खड़ा हूँ मैं मेरी गाड़ी लेके, मेरे को जल्दी पहुँचना है। उनको बोला भाई रुको रुको, वो निकल गया। एक तो ये इनका यहाँ का टिकट काउंटर बंद है, मैं उन लोगों को वही पूछ रहा हूँ। मेरे सामने यहाँ पर फेरी बोट रुकी है कि टिकट कहाँ निकालना है, टिकट कहाँ निकालना है, बिना टिकट में गाड़ी अंदर कैसे डालू। तो वो अपना ही निकाल दे उन लोगों ने फेरी बोट। सेठ यार बहुत, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे पहुंचना था, आराम से पहुंच जाता था मैं यहाँ से। एक 5 मिनट भी नहीं हुआ फेरी बोट को कहाँ तक पहुंच गई है, 1 घंटा रुकना है। गांव में हूँ और यहाँ से मुरुड जंजीरा फोर्ट भी जा सकते हैं। तो मुरुड जंजीरा फोर्ट अगर आप लोगों को जाना है तो यहाँ पर एक टिकट ऑफिस है, टिकी जंजीरा किला से टिकी टू जंजीरा फोर्ट जाने वाली फेरी यहाँ से मिलती है। तो सब लोगों ने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से अभी उन लोग फोर्ट पे जाएंगे मुरुड जंजीरा और यहाँ पर एक फूड पैलेस करके है, तो यहाँ पर अभी हम नाश्ता करेंगे अंदर, उसके बाद फेरी से सफ़र करेंगे। देखो ये जो आप लोगों को बोट दिख रहे हैं ना, ये मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने वाले हैं। भाई साहब मैं वड़ा पाव बहुत कम खाता हूँ, कम क्या नहीं खाता हूँ समझ लो, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था तो मैंने वड़ा पाव लिया 2, और वड़ा पाव वाकई में बहुत बढ़िया था। तो जो फूड पैलेस है ना, वहाँ पर अगर कभी आते हो डिगी में तो ज़रूर वड़ा पाव ट्राई करना, भारी वड़ा पाव है। डिगी से ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये मुरुड जंजीरा है और वहीं पर ये बोट जा रही है। देखो वेट करना पड़ा है 1 घंटा, ऐसा लगा कि 1 घंटे में क्या कुछ शूट नहीं हो जाता था, पूरा शूट कम्प्लीट कर देता था मैं।
ये जो आप लोग देख रहे हैं वो ऐतिहासिक मुरुड जंजीरा किला है, उतरने का कोई चांस ही नहीं है। चला तर अगार डांडा फेरी बोट या इथे आपण आलेलो आहोत। क्रेज आहे RX 100 आणि अगार डांडा। लाईफ मध्ये फर्स्ट टाइम आलोय मी इथे, अच्छा अगोदर कधीच आलेलो नाही, परंतु एक नंबर असा वाटतंय मला इथे येऊन। सकाळी 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 लवकर उठायसाठी निघायचं कुठेही, सकाळचं दृश्य सुभाग्य सीन देखने जैसे होता है। एक खोखरी गुंबद है, देखो आप लोग यहाँ देख सकते मुरुड जंजीरा जाते टाइम यहाँ पर एक खोखरी गुंबद, ये देखो। अगर इसका डिटेल व्लॉग अगर आप लोगों को देखना है खोखरी गुंबद का, तो सादिक परदेसी कोकनी भाई इनके चैनल को विजिट करना और इनका वीडियो देखना खोखरी गुंबद। ये मुरुड जंजीरा जाते टाइम आता है। ये अभी हम मुरुड पहुंच चुके हैं, 10:43 यानी 10:45 हो रहा है और अभी मुरुड पहुंच चुके। मस्त है, गोवा वाला फील है। आजू बाजू घर है और बीच में से रोड चल रहा है, बीच में से रोड है। रोड क्या चलेगा, मैं चल रहा हूँ। देखो पुराने स्ट्रक्चर के भी घर है यहाँ पर, नए नए स्ट्रक्चर के भी घर है। 100 meters पर राइट लेना है अपने को, 1.3 kilometers टर्न लेफ्ट। ओके मैम, घोड़ा गाड़ी आ रही आगे से, मस्त है। पहली बार आया मुरुड में, इससे पहले काशीद तक आया था मैं, उसके आगे नहीं आया था, ये बार मुरुड भी आ गया। तो उधर मुरुड जंजीरा आ चुका हूँ मैं। देखो आप ये देख सकते हैं, ये मुरुड अलीबाग रोड है और रोड टच ये 22 घंटे का प्लॉट है जो आपकी नज़रों के बिल्कुल करीब है। और ये प्लॉट के बाजू में यहाँ पर ये होटल है, तो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, होटल रिसोर्ट सी टच है, पूरा सी व्यू है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक होटल भी बन सकता है। अच्छा 22 घंटे का ये प्लॉट है, प्ले पे नंबर शो किया उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सी फेस पे, यहाँ से अगर आप सामने देखते हो तो सी व्यू है, बिल्कुल समंदर किनारे। अगर यहाँ पर आप होटल बनाते हो टेरेस व्यू क्या खूबसूरत आएगा। तो ये पूरा जो प्लॉट देख रहे हैं आप, ये 22 घंटे का है और ये बिल्कुल रोड टच है। और ये वाला जो रोड है ना, ये मुरुड अलीबाग जाता है। ये फार्म हाउस के लिए या होटल के लिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हैं। वीडियो इधर ही खत्म हुआ, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस।